हेलो गाइस कैसे हैं आप वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर और इसके हम लोग दो लेक्चर्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखी थी टेम्पस्ट प्ले के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी कैरेक्टर अनालसिसिस हो गया क्रिटिकल अनालसिसिस हो गया या और कुछ तीन चार क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की थी जैसे मेजर थीम्स क्या होती हैं इसकी और इज़ द टेम्पस्ट इज़ कॉमेडी और ट्रेजिडी तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं इस प्ले के बारे में दो लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग विलियम शेक्सपियर के ऊपर ले चुके हैं दैट टेम्पस्ट के ऊपर और आज हम लोग इसकी स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा हम लोग आगे भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे डिटेल में करैक्टर अनलिसिस हो गया या और चीज़ें जो इसकी होती हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को फिर थीम्स बताऊंगी डिटेल में और इसके लिटरेरी डिवाइसेस और स्ट्रक्चर इसका तो वो हम लोग फिर बाद में स्टोरी एक दफ़ा पता चल जाए फिर उसके बाद हम वो चीज़ें चेक करेंगे तो आज सिर्फ हम लोग स्टोरी देखेंगे इसकी तो जितना हो सका उतना ईज़ी में आप लोगों को करके बताऊँगी कि इसकी स्टोरी क्या है और इसके अंदर साथ साथ मैं आपको थीम्स बताऊँगी और कैरेक्टर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कैरेक्टर्स का कि ये हम लोगों के पास कैरेक्टर्स से लेटेस्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये कैरेक्टर्स देखे थे और आप लोगों को थोड़ा सा और मैं स्टोरी के अंदर साथ साथ क्लियर करवाऊंगी कि कौन किसका क्या किसके साथ रिलेशन है वैसे हम लोगों ने लेटेस्ट लेक्चर में देखा था तो साथ साथ मैं फिर स्टोरी के आप लोगों को चीज़ें बताती रहूँगी टाइम वेस्ट के बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले इंट्रो ले, ले लेते हैं कि हम लोगों का जो प्ले है इसके अंदर बेसिकली है क्या जो प्ले है हम लोगों का दिस प्ले एक्सप्लोर द कंसिक्वेंसिस ऑफ़ यूरोपियन सेटलमेंट इन द न्यू वर्ल्ड मतलब हम लोगों का जो आप लोगों को पता होगा लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग के पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या इम्पीरियलिज़म और कलोनियलिज़म के बारे में कुछ ना कुछ आप लोग जानते होंगे इस प्ले के अंदर शेक्सपियर ने यूरोपियन कंट्रीज़ का बताया कि कैसे उन लोगों ने आकर सेटलमेंट की न्यू वर्ल्ड के अंदर अपने इसी तरह हम लोगों को मेन कैरेक्टर दिखता है प्रॉस्पैरो प्रॉस्पैरों के थ्रू शेक्सपियर ने इस प्ले के अंदर दिखाया कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ जो थीं उनका जब सेटलमेंट हुआ न्यू वर्ल्ड के अंदर उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस आए ठीक है कि न्यू वर्ल्ड के ऊपर ऑफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या थे उनके जाने के बाद अब देखते हैं वो कैसे ये प्ले जो है ये सिंपली ये एक्सप्लोर कर रहा है ठीक है एक पॉइंट हम लोगों के पास ये आ गया आप लोगों ने ये आ इस पॉइंट को नोट कर लेना ठीक है नेक्स्ट हम लोगों के पास मेन कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो और वो क्या था इंटरेस्टेड था मैजिक के अंदर इसकी ये ख़ूबी आपने याद रखनी है उसके अलावा उसका फ्रेंड कौन था गोंजेलो यह मैंने आप लोगों को बताया ये लॉयल पर्सन था गोंजेलो जो था ये इसका प्रॉस्पेरो का फ्रेंड था उसके अलावा प्रॉस्पेरो की बेटी है कौन मिरांडा ठीक है जिसने कभी किसी मर्द को नहीं देखा बारह साल हो गए हैं इनको एक आइलैंड के ऊपर आए हुए और इसने प्रॉस्पेरो की बेटी ने किसी मर्द को कभी नहीं देखा सिवाय अपने फादर के और जो इनका सर्वेंट था कैलिबन उसके अब मिरांडा जो है इसको मोहब्बत होती है फर्डीन से ये हम लोगों को स्टोरी के अंदर पता चलेगा कि ये पहला मर्द था जिसको मिरांडा ने देखा और मिरांडा को भी इसने फर्स्ट टाइम जब देखा तो दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई ठीक है तो ये हम लोग स्टोरी के अंदर आगे देखेंगे उसके अलावा ब्रदर्स हम लोग देखेंगे कि एलोंजो और सेबेस्टियन ये दोनों जो हैं ये ब्रदर्स थे कौन थे एलोंजो जो था किंग ऑफ नेपाल था एलोंजो ठीक है किंग ऑफ नेपाल था किंग आप लोगों को पता है किंग क्या होता है एक बड़ी स्टेट का मालिक होना ठीक है नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या रहा है कौन और ब्रदर्स थे हम लोगों को दिखेंगे प्रॉस्पेरो और एंटोनियो ये दोनों भी ब्रदर्स थे ठीक है और जो प्रॉस्पेरो था ये एक्स ड्यूक ऑफ मिलान था अब मैं आप लोगों को यहाँ पर किंग और ड्यूक इन दोनों का डिफरेंस बता दूँ किंग जो होता है ये होता है बड़ी स्टेट कोई बड़ी स्टेट है ठीक है इसका जो है ये पूरा ऑनर जो है ये किंग है ठीक है अब ही क्या है किंग है ठीक है जो कौन था एलोन्जो था अब ड्यूक क्या होता है इस पूरे एरिया के अंदर से कोई स्मॉल सा एरिया जो होगा उसको कहेंगे हम ड्यूक उसका जो ऑनर होगा उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे ड्यूक ठीक है अब ड्यूक ऑफ मिलान कौन था प्रोस्पेरो था ठीक है अब तो तो प्रॉस्पेरो जो है अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि एक्स ड्यूक ऑफ मिलान हो गया मतलब पहले था अब उसकी जगह कोई और आ गया ठीक है अब आपको किंग और ड्यूक इन दोनों का फ़र्क पता चल गया होगा कि किंग जो होता है वो बड़ी प्लेस का मालिक होता है और जो ड्यूक होता है वो छोटी प्लेस का मालिक होता है ठीक है किंग जो है वो ड्यूक जो है जो ड्यूक है, वो, है वो, वो किंग के अंडर आता है ठीक है समझ आ गई प्रोस्पेरो जो था वो किसी छोटी स्टेट का ऑनर था ठीक है अब यहाँ पर मैंने ऐड uh, भी किया हुआ है कि किंग क्या होता है एक सिंगल नेशन का रूलर होता है वो और जो ड्यूक होता है वन ऑफ टू पॉसिबिलिटीज कि टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रूलर ओवर अ डची हो सकता है विच इज़ अ स्टेट स्मॉलर देन अ नेशन या स्टेट ठीक है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है होल्डर ऑफ द हाईएस्ट रैंक ऑफ नोबिलिटी विद इन एन एरिस्टोक्रेसी सच एज डेट ऑफ ब्रिटेन्स ठीक है मैंने यहाँ पर ये इंग्लिश में ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों को ऐड करना हो कहीं पर तो आप लोग ऐड कर सकें फिर बच्चों को लफ्ज़ नहीं मिलते और उनके पास वोकेबलरी की कमी होती है तो इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया वैसे मैंने जुबानी आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या होता है ठीक है आगे अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टर कैलिबन को ये एक है सन ऑफ़ विच विच का मतलब आप लोगों को पता होगा चुड़ैल एंड स्लेव ऑफ प्रॉस्पैरो और स्लेव था प्रॉस्पेरों का ये भी हम लोगों को पता चलेगा कि कैसे केलिबन इससे मिला प्रोस्पेरों से और फिर प्रोस्पैरो ने कैसे एक चुड़ैल के बेटे को अपना ग़ुलाम बना लिया Take care. आगे हम लोगों को दिखेगा एरियल कैरेक्टर ये भी सर्वेंट है प्रॉस्पेरों का और ये बेसिकली एक स्पिरिट है और हम लोगों को नहीं पता ये स्पिरिट कैसी है हवा है पानी है कैसी है ठीक है हम लोगों को इसकी अपेयरेंस नहीं पता लेकिन इतना पता है कि ये स्पिरिट है और ये हम लोगों ने अपने लेक्चर लेटेस्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने क्रिटिकल अनालिस के अंदर देखा था कि कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये जो था एरियल स्पिरिट जो थी ये जेकोबियन ऑडियंस की तरफ इशारा कर रही थी जेकोबियन एज की तरफ हम लोगों को बता रही थी कि उस वक्त जो होती थी स्प्रिट्स वो ऐसी ही होती थी आगे मूव करते हैं अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों के पास हैं टू स्टेट्स मैंने आपको बताया एक नेपाल की थी और एक मिलान की थी एक किंग ऑफ नेपाल है हमारे पास और दूसरी तरफ क्या है ड्यूक ऑफ़ मिलान है ठीक है अब आगे क्या होता है हम लोगों की स्टोरी शुरू होती है कि टू स्टेट्स हैं उसके बाद होता है हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रॉ आता है वो इतना सख्त होता है कि जिससे हम लोगों को दिखती है एक शिप जारी होती है और वो उस तूफ़ान के अंदर फंस जाती है और तबाह हो जाती है ठीक है अब ये जो चीज़ है ये हम लोगों को रेफ़र कर रही है टाइटल की तरफ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि आपने थंबनेल के ऊपर ये चीज़ें लगाई हुई हैं लेकिन अंदर आपने कुछ बताया हुआ तो है ही नहीं इसके बारे में तो मैं अब बेसिकली अब साथ साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ है यहाँ पर ये चीज़ है अब जिस तरह यहाँ मैंने बाकायदा ऐड किया कि यहाँ पर अब हम लोग टाइटल के ऊपर बात करने लगे हैं तो इस स्टोरी के अंदर साथ साथ मैं आप लोगों को थीम्स भी बता रही हूँ आप लोगों को लिटरेरी डिवाइस भी बता रही हूँ क्रिटिकल एनालिसिस भी बता रही हूँ टाइटल सिग्निफिकेंस भी बता रही हूँ और सारी चीज़ें साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ बेस अगर मैंने पर आप लोगों को अलग से हेडिंग नहीं दी कि अब हम लोग इंट्रो डिस्कस कर रहे हैं जिस तरह अभी पीछे मैंने बताया कैरेक्टर एनालिसिस हो रहा है अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ये कैरेक्टर अनालसिसिस किया ना हम लोगों ने एक दूसरे का रिलेशन देखा कि कौन सा कैरेक्टर किसका क्या रिलेशन था डिटेल के अंदर अगर मैं ऊपर इंफॉर्मेशन डालूं कि अच्छा ये कैरेक्टर है इसकी ये ये चीज़ें हैं एंड ऑल दैट फिर आप लोगों को लगेगा अच्छा अच्छा यहाँ पर हम लोगों को बताया हुआ है तो इसी तरह दो चार मेरे पास कमेंट्स ऐसे आए थे जिसके अंदर मैंने हालांकि बताया हुआ था वीडियो के अंदर कि ये ये टाइटल सिग्निफिकेंस है और ये ये चीज़ है और इस टाइटल के अंदर हम लोगों को ये लेसन मिल रहा है और ये टाइटल हम लोगों को ये रेफ़र कर रहा है मतलब टाइटल एक्सप्लेन किया हुआ था लेकिन मेरे पास नीचे कमेंट आया हुआ था जी मैडम आपने टाइटल सिग्निफिकेंस तो बताई हुई नहीं है और आपने ऊपर लिखा हुआ है टाइटल सिग्निफिकेंस भी बताए हुए है मैंने फिर चेक किया तो मैंने उसके अंदर बताया हुआ था अब आप लोगों का खुद का है कि आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं कमेंट्स करने से पहले एक दफ़ा देख लिया करें कि आप लोग क्या देख रहे हैं और क्या आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो आप लोग करते हैं बाजूकत उनका कोई आंसर नहीं होता तो मैं फिर इग्नोर कर देती हूँ तो इसलिए कमेंट्स करते हुए सोचा करें कि आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइटल बताने लगी थी कि ये जो हम लोग का शिप रैक है ये रेफ़र कर रहा है टाइटल की तरफ हम लोगों का टाइटल क्या है द टेम्पस्ट जिसका मतलब क्या होता है कि एक वायलेंट स्टॉम आ जाना ऐसा स्टॉम जिससे हर चीज़ तबाह हो जाए ठीक है दस द टेम्पस्ट लिटरली रेफरस टू द स्टोम के जो टेम्पस्ट है ये किसकी तरफ रेफ़र कर रहा है स्टोम की तरफ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले हम लोगों को बिगनिंग ऑफ द प्ले जहाँ पर हम लोगों का प्ले स्टार्ट हो रहा है और प्ले के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही हम लोगों को क्या दिखता है कि एक शिप है वो जा रही है और वो तूफान के अंदर फंस गई है और तबाह हो गई है ठीक है विच इज़ क्रिएटेड बाय एरियल हम लोगों ने एरियल के बारे में पढ़ा एक स्पिरिट है इसने क्रिएट किया था ऑन दी कमांड ऑफ प्रोस्पेरो प्रोस्पेरो की कमांड के ऊपर प्रोस्पेरो ने एरियल को हुक्म दिया था कि तुम एक तूफान क्रिएट करो जिसकी वजह से उस तूफान के अंदर फंस के ये शिप जो थी हम लोग को स्टार्ट में दिखती है वो तबाह हो जाती है ठीक है अगर हम लोग डीपर सेंस के अंदर देखें बट इन मोर डीपर सेंस द टेम्पस्ट रेफर टू द अनकंट्रोल प्लाट ऑफ द प्ले कि अगर हम लोग थोड़ा सा और डीप के अंदर जा कर देखें तो ये टाइटल हम लोगों को रेफ़र कर रहा है कि जो प्ले का प्लाट चल रहा है वो इसी तरह अनकंट्रोलेबल ठीक है जिस तरह तूफान होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसी तरह प्ले का प्लॉट है ठीक है अब मैंने यहाँ आप लोगों को टाइटल जो है सिग्निफिकेंस दो तरीक़ों से बताई कि एक तो अगर हम लोग लफ्ज़ी मतलब ले टेम्पस्ट का तो एक वायलेंट स्टॉन्ग को कहते हैं और अगर हम लोग डीप सेंस के अंदर जाकर देखें तो ये रेफ़र कर रहा है द टेम्पस्ट एक अनकंट्रोलेबल प्लॉट को जो कि हम लोगों के प्ले का है ठीक है ये आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों का जो प्ले है उसके बारे में आप बताएं तो आप लोग ये फिर अपने क्वेश्चन का आंसर जो है एक अच्छे तरीके से दे सकते हैं कि एक अनकंट्रोलेबल प्लॉट है हम लोगों का और जो टाइटल सिग्निफिकेंस है उसके अंदर भी आप लोग ये चीज़ ऐड कर सकते हैं आगे चलते हैं अब हम लोग अब स्टोरी हम लोगों की स्टार्ट हो रही है मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो बोथ वर लुकिंग द सीन ऑफ शिप रैक अब मिरांडा कौन थी प्रॉस्पेरो की बेटी थी ये दोनों खड़े होकर देख रहे होते हैं वो सीन जब वो शिप जो है वो तबाह हो रही होती है ठीक है मिरांडा कहती है मिरांडा सेड टू हर फादर टू डू समथिंग एंड हेल्प पुअर पीपल एंड टोल्ड हर इट्स ओके मिरांडा क्या कहती है कि आप उन लोगों की मदद करें कि वो डूब रहे हैं और इस तरह तूफान में फंसे हुए हैं तो उसको तसली देता है कि इट्स ओके okay, कोई टेंशन वाली बात नहीं है एंड टोल्ड हर अबाउट हर एंड हिज पास्ट अब आगे वो उसके क्वेश्चन के आंसर के अंदर क्या करता है उसको पहले तो तसली देता है कि को कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर इस तरह का तूफान आ गया है तो और वो लोग बच जाएंगे कोई मसला नहीं है फिर साथ ही उसको अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है कि कैसा मिरांडा का पास था और कैसा उसका पास था प्रोस्पेरो का अब यहाँ पर वो स्टोरी सुना रहा है उन उसको मिरांडा को अब स्टोरी यहाँ पर वो क्या सुनाता है कि कैसे वो एक ड्यूक था और फिर कैसे उसके भाई ने धोखे से उसको आ, उस जगह से निकलवाया उसको कोई नशे की दवाई दे दी और वो फिर गिर गया और फिर को के थ्रू उसने वहाँ से उससे आ, छुटकारा हासिल कर, करना चाहा उसने गोंजेलो क्योंकि लॉयल था इसकी तरफ़ प्रोस्पेरो की तरफ तो उसने क्या किया इन दोनों को एक आइलैंड पे छोड़ गया मिरांडा को भी और प्रोस्पेरो को भी प्रोस्पेरो का इंटरेस्ट था मैजिक की तरफ तो वो अपना ज़्यादा ध्यान मैजिक के अंदर रखता था तो इस तरह इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इसके भाई ने वो चीज़ इससे छीन ली के जो एक ओहदा था इसके पास उसने कहा कि ये मैं ले लूँगा उसने धोखे से करके कैसे करके उसने उससे छीन ली और अपने भाई को ख़त्म करना चाहा मर्डर करना चाहा लेकिन गोंजैैलो के थ्रू वो बच गया गलो उसको एक आइलैंड पे छोड़ गया और वहाँ से वहाँ पर ये लोग बारह साल से हैं ठीक है और जो मिरांडा है मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने बारह साल हो गए हैं उसने किसी मर्द को नहीं देखा और उसको बचपन के अंदर भी कुछ अपनी मेमोरीज याद हैं कि कोई नैनीज़ होती थी वो उसका ख्याल रखती थी और उसको कुछ भी नहीं याद ठीक है तो ये स्टोरी वो सुनाता है अब वो स्टोरी सुनने के बाद मिरांडा जो है वो सो जाती है क्योंकि प्रॉस्पैरों पता है मैजिक करता था तो वो उसके कुछ बातों के अंदर कुछ इस तरह के उसने मैजिक शेजिक किया और उससे वो सो गई ठीक है आफ्टर टेलिंग द स्टोरी मिरांडा स्लीप्स एंड प्रोस्पेरो कॉल्ड हिज स्पिरिट एरियल अब वो प्रॉस्पेरो जब वो सो जाती है तो किसको बुलाता है अपनी स्पिरिट एरियल को बुलाता है फिर क्या होता है देयर डिस्कशन टोल्ड द ऑडियंस डेट प्रॉस्पेरो वाज द वन हु कमांड एरियल टू क्रिएट अ स्टॉर्म अब हम लोगों को स्टार्ट में तो स्टोरी के नहीं पता चलता ये तो मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ अगर आप कोई फिल्म भी देख रहे हो ड्रामा देख रहे हो तो कुछ 20-25 मिनट बाद या बाज़ात तो ऐसा होता है बिल्कुल फिल्म एंड पे पहुँच जाती है तब आप लोगों को पता चलता है अच्छा हो क्या रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों को फिर पता चलता है कि जो प्रस्पैरो था उसी ने एरियल को कमांड किया था कि वो स्टॉम को क्रिएट करे ठीक है एंड आफ्टर डैट ही अश्योर डेट एवरी वन इज़ सेफ़ अब स्टॉम क्रिएट करवाया पहले तो एरियल से उसने फिर उसने इस चीज़ की श्योरिटी ली एरियल से कि हर कोई सलामत है कि नहीं मतलब हम लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आती पहले तो उसने एक स्टॉम क्रिएट करवाया उनकी शिप सारी तबाह करवा दी और फिर लोग जो थे उसके अंदर उस शिप रैक के अंदर जो जो थे लोग उसका फिर वो पता कर रहा है सबका कि कोई बचा भी है कि नहीं सब बच गए हैं ना उसको एक तरह की टेंशन भी थी कि किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ तो फिर अब एरियल बताता है कि हाँ जी सब कुछ ठीक है और आइलैंड पर पहुंच गए हैं और साथ वो क्या बताता है कि बट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड डिवाइडेड इन ए स्मॉल ग्रुप्स कि शिप रैक की वजह से क्या हुआ कि सब बच तो गए और आइलैंड पर पहुंच भी गए सेफली लेकिन क्या हुआ है कि सब अलग अलग हो गए हैं और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो चुके हैं ठीक है कोई उधर पहुंचा कोई इधर पहुंचा तो अलग अलग हो गए अब सब कभी आप लोगों ने समुंदर के अंदर तूफान आते हुए देखा है फिल्म्स के अंदर या ड्रामों के अंदर तो उसके अंदर इसी तरह दिखा रहे होते हैं बहुत खौफनाक सा वो तूफान होता है तो उसके अंदर फिर नहीं पता चलता कि कौन कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है वह उस वक्त हर किसी को अपनी जान की पड़ी हुई थी किसी तरीके से हम किनारे पर पहुंच जाए तो सेम इसी तरह हुआ था कि हर कोई किनारे पर तो पहुंच गया था लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके साथ वाला जो है वो कौन है और कौन नहीं बस हर किसी ने आइलैंड की तरफ आने की कोशिश की थी अच्छा अब आगे क्या होता है कि एरियल रिमाइंड प्रॉस्पेरो अबाउट हिज फ्रीडम एरियल जो स्पिरिट है वो प्रोस्पेरो को रिमाइंड करवाती है अपनी फ्रीडम के बारे में कि दैट अ ईयर अर्लियर प्रोस्पेरो सेड इफ़ यू ओबे मी एंड डू सच थिंग्स आई वांट यू टू डू विदाउट आस्किंग देन आई विल फ्री यू अब प्रोस्पेरो को यहाँ पर वो अपनी फ्रीडम के बारे में याद करवाता है कि आपने एक साल पहले मुझसे कहा था कि ओबे मी और कोई क्वेश्चन नहीं करना जो भी मैं तुमसे करवाऊँ बस चुपचाप करते जाना तो फिर मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा अब प्रोस्पैरो जो है वो क्या करता है उसको थोड़ा सा चिल्ला कर बोलता है और उसको रिमाइंड करवाता है उसका पास्ट कि तुम्हारा पास्ट कैसा था और मैंने तुम्हें उससे आज़ाद करवाया ठीक है उसको स्कॉल्ड करता है प्रॉस्पैरो और उसको उसका पास्ट याद करवाता है अब वो प्रोस्पेरो जब उसको डांटता है उसको उसका पास्ट याद करवाता है तो फिर वो एरियल जो है वो चुप कर जाता है अब नेक्स्ट क्या होता है कि आफ्टर एरियल अशोर दैट ही नोज हिज प्लेस के प्रोस्परों के डांटने के बाद एरियल उसको यकीन दिलाता है कि जी मैं अपनी जगह जानता हूँ कि मैं क्या था क्या नहीं और अभी आप मुझे उस उन हालात से अच्छे हालात में आपने रखा हुआ है आपने मुझ पर एहसान किया था जी मैं चुप कर गया हूँ मुझे आप कुछ ना कहें तो यहाँ एरियल जो है वो चुप कर जाता है एरियल कहता है यहाँ पर मैं अपनी आज़ादी याद करवा रहा हूँ कि एक साल पहले आपने वादा किया था कि मुझे आज़ाद कर दोगे अगर मैं आपने आपकी कामों के अंदर आपकी मदद करूँगा और आपकी बातें मानूंगा विदा आउट आस्किंग आप ये क्यों करवा रहे हो क्यों नहीं करवा रहे तो मैं एक दफा याद करवा दूँ लेकिन आगे से प्रॉस्पेरो गुस्सा हो जाता है और उसको उसका पास्ट याद दिला देता है ठीक है कि तुम तो किन हालात के अंदर थे और मैंने तुम्हें आके आज़ाद करवाया होता यह है असल में कि एक आइलैंड होता है जहां पर गोंजेलो जो है वो एरियल को सॉरी प्रोस्पेरो को और मिरांडा को छोड़ जाता है ठीक है अब उस आइलैंड की मालिक होती है एक चुड़ैल ठीक है सिकोरेक्स उसका नाम है वो आगे चल के शायद यहाँ मैंने कहीं जिक्र किया हुआ होगा यहाँ स्टोरी के अंदर हम लोगों को पता चलेगा वैसे मैं आप लोगों को स्टोरी ताकि समझ आ जाए साथ ही बता रही हूँ तो ये बल्कि ये मैंने लिखा हुआ है ये वो चुड़ैल थी आगे चल के हम लोगों को पता चलेगा अभी तो वो चुड़ैल जो थी वो उसका इस आइलैंड के ऊपर कब्जा था अब प्रोस्पैरो ने जंग की उसके साथ एक तरह की इन लोगों की लड़ाई हुई बैटल हुई इन दोनों की तो जो जीता जो जीतेगा वो इस चीज इस पूरे आइलैंड का मालिक बन जाएगा अब प्रोस्पेरो को मैजिक का वैसे ही शौक था प्रॉस्पेरो जीत जाता है और ये मर जाती है सिक्योरक्स अब इसका बेटा होता है कैलिबन ये इसको भी गुलाम बना लेता है और सिक्योर ने एक स्पिरिट को जिसका नाम एरियल था उसको गुलाम बनाया हुआ होता है और वो उस स्पिरिट को आज़ाद कर देता है और उसको अपना गुलाम बना लेता है ठीक है तो अब यहाँ पर इस तरह हुआ है ठीक है और ये पास जो है प्रॉस्पेरो एरियल को याद करवाता है ठीक है अब क्या होता है एरियल कहता है डैट ही नोज हिज प्लेस प्रॉस्पेरो ऑर्डर एरियल टू तो टेक द शेप ऑफ अ सी निम्फ अब यहाँ पर वो ऑर्डर दे रहा है कि एक सी निम्फ की शेप इख्तियार कर लो अब यहाँ पे वो ऑर्डर क्या दे रहा है कि तुम एक सी निम्फ बन जाओ एंड मेक हिमसेल्फ़ इनविजिबल कि अब तुम सी निम्फ बन जाओ और इनविजिबल हो जाओ कोई तुम्हें देख ना सके लेकिन सिर्फ प्रोस्पेरो देख सके टू ऑल बट प्रोस्पैरो ठीक है अब जो है एरियल इसने सीन की एक शक्ल इख्तियार कर ली है और इनविजिबल है कोई इसको देख नहीं सकता के कौन, कि कौन कि ये किसी के पास भी आ जा सकता है ठीक है लेकिन किसी को पता नहीं होगा लेकिन प्रॉस्पैरो जो है उसके सामने वो विजिबल ही रहेगा प्रोस्पेरो के सामने वो खुद को विजिबल रखेगा बाकी सबके सामने इनविजिबल ठीक है अब आगे क्या होता है प्रॉस्पैरो एंड मिरांडा गो टू विजिट कैलिबन अब यहाँ पे हम लोगों को न्यू कैरेक्टर दिखता है के प्रोस्परों और मिरांडा जो हैं ये दोनों जाते हैं विज़िट करने कैलिबन को प्रॉस्पैरों का सर्वेंट होता है ये एंड द सन ऑफ द डेड सिकोरेक्स जो चुड़ैल जिसका मैंने अभी बताया उसका बेटा होता है कैलिबन कर प्रॉस्पेरो जब कैलिबन देखता है प्रॉस्पैरों को तो वो उसको बद दुआएँ देना शुरू कर देता है और उसको पता नहीं क्या क्या कहता है ठीक है एंड प्रॉस्पैरो एंड मिरांडा पीरेट हिम मतलब उसको भी उसका पास्ट याद करवाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम कितने सेविज थे तुम कैसे थे हमने तुम्हें इंसान बनाया यहाँ पे हम लोगों को एम्पेलिजम और कलोनीलिज्म की थीम मिल रही है साथ साथ मैं आपको थीम्स भी बता रही हूँ ताकि आप लोग स्टोरी के साथ रिलेट करके कल को अपने क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर सकें रेफ़रेंस के साथ यहाँ पर इस तरीके से एमपेज़म और कलोनीलिज़म की थीम मिल रही है कि कैलिबन जो है ये उन लोगों की तरह है जिनको ना पढ़ना लिखना आता था ना किसी अच्छे बुरे का पता था ना खाने पीने के मैनर्स थे ना इस तरह की चीज़ मतलब जिस तरह के जानवर होते हैं इस तरह का इस काम लोगों को दिखाया कैलिबन का अब यहाँ पर ये यह लोग उसको डांट रहे हैं प्रॉस्पेरो और मिरांडा के तुम क्या थे और हम लोगों ने तुम्हें क्या बनाने की कोशिश की है हम लोगों ने तुम्हें मैनर्स सिखाए हमने तुम्हें एजुकेट करने की कोशिश की अब यहाँ प्रॉस्पेरो और मिरांडा जो है ये यूरोपियन पीपल की तरफ इशारा कर रहे हैं जो गए दूसरों के जिस तरह अफ्रीकन होते हैं ठीक है जिस तरह अफ्रीकन के मुल्क के अंदर गए ये लोग यूरोपियन पीपल उधर उन लोगों ने जाकर उनको ग़ुलाम बना लिया और उनको जाके तमीज़ सिखाने की कोशिश की एजुकेट करने की कोशिश की तो इस तरह का ये भी दिखा रहे हैं कि ये यूरोपियन पीपल हैं और कैलेवन जो है ये उन सैवेज पीपल उन सैवेज लोगों की तरह है जो जिनको मैनर्स नहीं पता जिनको कुछ नहीं आता पता ठीक है तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जैसा जो मैंने पढ़ा है और जैसा मेरे सामने मैंने देखा है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं उसके हिसाब से आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ मैं ख़ुद से कोई भी कहानी आप लोगों को नहीं बता रही कि ऐसा हुआ वैसा हुआ जैसा मैंने पढ़ा है मैं आप लोगों को वैसा डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैंने कमेंट्स के अंदर मुझे ये भी लोगों ने कहा है कि आप एक ही चीज़ के ऊपर रिलीजन के ऊपर जिस तरह फॉर एग्जांपल आप उसकी ऊपर बातें करती रहती हो आप इस तरह करती हो आप सही से पढ़ाती नहीं हो हम लोगों को एक अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए एंड ऑल दैट तो मैं वो चीज़ें आप लोगों को डिलीवर कर रही होती हूँ जो मेरी नॉलेज के अंदर है ठीक है जो मैंने खुद पढ़ा है तो मैं खुद से कोई कहानियाँ नहीं बता रही होती तो इसलिए आप लोग खुद भी सर्च करके देख सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो हूँ अपने पास से कहानियाँ बता रही हूँ आप लोगों को सही नहीं बता पा रही तो आप लोगों को मैं फ़ोर्स थोड़ी कर रही हूँ कि आके आप लोग मेरी वीडियोस देखो या मेरे लेक्चर सुनो आप लोगों को लेक्चर जैसा चाहिए होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस तरीके से एक्सप्लेन करूँ और ईजी वर्डिंग के अंदर हर चीज़ प्रॉपर लिख के मैं बताती हूँ और मैं पीडीएफ भी तैयार कर रही हूँ साथ साथ आप लोगों का तो इस वीडियो के लिंक के अंदर भी आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ देख सकते हैं मैं ऐड कर दूंगी और उसके अलावा आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को काफ़ी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो आप लोग लिटरेचर पढ़ते हुए अपने अंदर एक बिल्कुल अलग खाना बना लें कि आप लोगों की लाइफ आप लोगों का रिलीजन एक तरफ है और जो लिटरेचर आप लोग पढ़ रहे हैं वो एक तरफ है दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ठीक है तो आप लोगों ने अगर पढ़ना है लिटरेचर पढ़ना है लिटरेचर की फील्ड में आ गए हैं तो उसको उस हिसाब से लें इसके अंदर तो दुनिया जहान की बातें हैं लिटरेचर क्योंकि है ही ऐसा ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली एम्परियलिज़म और क्लोनीलिज़म के ऊपर बात हुई यहाँ पर यूरोपियन पीपल बताए हम लोगों को Prospero और मिरांडा और अफ्रीकन पीपल या थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है हम लोगों की जैसे इंडियंस हो गए पाकिस्तानी हो गए या अफ़्रीक हो गए या इस तरह के जितने भी एशियन पीपल जितने भी हैं उन सब की तरफ हम लोगों को इशारा कर रहे हैं कैलिबन के अंदर ठीक है अब वो क्या कहते हैं के बीरेट हिम फॉर अनग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव गिवन एंड टॉट हिम ठीक है अब आगे क्या होता है कि एरियल इनविजिबल एरियल हम लोगों को दिखाते हैं वो इनविजिबल है एंटर होता है प्लेइंग म्यूजिक म्यूजिक प्ले करते हुए ठीक है एंड लीडिंग इन द ऑड फर्डिनेंट अब फर्डिनेंट हम लोगों को एक कैरेक्टर दिखता है कि एरियल आया है इनविजिबल है और म्यूज़िक प्ले करता हुआ आ रहा है और फर्डी को साथ लेकर आया है जो उसको मिला है आइलैंड के ऊपर कहीं पर और प्रॉस्पर और मिरांडा के पास लेकर आया वो ठीक है नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है कि मिरांडा एंड फर्डीनैंड और इमीडिएटली स्मिटन विद ईच अदर के ये एक दूसरे से दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और बहुत जल्दी हो जाता है ये सब कुछ ठीक है ही इज़ द ओनली मैन मिरांडा हैज़ एवर सीन बिसाइड्स कैलिबेंड एंड हर फादर ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि मिरांडा जो थी उसने फर्डी को पहला वो ऐसा शख्स था जिसको उसने देखा बिसाइड कैलिबन और एंड हर फादर अब प्रॉस्परों जो है इज़ हैप्पी टू सी वो खुश होता है ये देखकर कि दैट इज़ प्लान फॉर हिज़ डॉटर्स फ्यूचर मैरिज इज़ वर्किंग अब हम लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ पता चलती है कि ये सब उसका प्लान था कि उसकी जो बेटी की शादी है वो उसको प्लान कर रहा था ठीक है और वो खुश होता है कि उसका प्लान जो है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं ठीक है बट डिसाइड्स डैट ही मस्ट अपसेट थिंग्स टेम्परली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देर रिलेशनशिप फ्रॉम डिवेलपिंग टू क्विकली अब उनका रिलेशनशिप जो था वो बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था तो उसने कुछ उसके अंदर क्या कहते हैं के डालने की कोशिश की कोई पत्थर शत्थर कोई इस तरह की चीज़ ताकि वो इतना क्विकली आगे ना बढ़े ठीक है ही अक्यूज फर्डीली प्रिटेंडेंट टू बी द प्रिंस ऑफ नेपाल एंड विद थ्रेटरमेंट अब यहाँ पर वो उसको कहता है कि तुम जी प्रिंस ऑफ नेपाल नहीं हो क्योंकि वो प्रिंस ऑफ नेपाल होता है फर्डी वो उसका बेटा होता है किसका ये एलोन्सो का बेटा होता है जो किंग ऑफ़ नेपाल है ठीक है और ये फिर फर्डिनन जो है ये प्रिंस ऑफ नेपाल है तो ये उसको ऊपर प्रिटेंड करता है उसको पता सब कुछ होता है लेकिन उसको फिर वो डराने की कोशिश करता है वही उन दोनों के रिलेशनशिप को बिल्ट होने में कह रहा हैं ताकि थोड़ा टाइम लगे बिल्ट हो लेकिन स्लोली स्लोली हो ज़्यादा तेज़ी से ना हो ठीक है अब आगे क्या होता है ही देन सेंड्स एरियल ऑन अनदर मिस्टीरियस मिशन अब एक और मिशन पर भेजता है एरियल को वो क्या होता है कि ऑन अनदर पार्ट ऑफ द आईलैंड एलोन्जो सेबेस्टियन एंटोनियो गलो बट वर अबाउट दर्डीन अब हम लोगों को दिखता है कि आईलैंड के दूसरे किनारे के ऊपर ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं और सब खुश हो रहे हैं कि हम लोग जिंदा बच गए और दुआ कर रहे होते हैं और अपने लॉर्ड का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं लेकिन वो थोड़ा सुरदा भी होते हैं फर्डी को लेके कि वो नहीं बच सका ये लोग सब समझ रहे होते हैं कि वो मर गया ठीक है उसके फेड को लेके थोड़ा सा परेशान होते हैं अब एरियल जो है वो अपीयर होता है वो इनविजिबल ही होता है एंड प्ले म्यूज़िक और जब भी एरियल आता है एक चीज़ आपने नोट करनी है वो म्यूज़िक प्ले करते हुए आता है ये हम लोग आगे चेक करेंगे थोड़ा सा आगे जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसका प्ले का और लिटरी डिवाइसिस देखेंगे और इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी हम लोग देखेंगे तब मैं बताऊँगी उसके अलावा अब हम लोगों को एक चीज़ आप लोगों ने नोट कर लें है कि एरियल जब भी अपीयर होता है म्यूजिक प्ले करता है और आगे वो क्या है इनविजिबल है ठीक है दैट पुट्स ऑल बट सेबेस्टियन एंड एंटोनियो टू स्लीप अब उससे क्या होता है उसके म्यूजिक से और एरियल के आने से ये अपने म्यूज़िक से क्या करता है सबको सुला देता है लेकिन सेबेस्टियन और एंटोनियो ये दोनों जागरू होते हैं ठीक है अब ये क्या होता है कि ये दोनों दिस टू तेन बिगिन टू डिस्कस द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ किलिंग दे स्लीपिंग कम्पेनियंस अब ये लोग क्या करते हैं ये लोग कोई पॉसिबल एडवांटेज सोच रहे होते हैं कि कोई पॉसिबल सिचुएशन बने इस तरह की कि हम लोग अपने जो कम्पेनियन हम लोगों के साथ सो रहे हैं उनको मार सकें उनका मर्डर कर सकें अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो दूसरों को मारना चाहते हैं मर्डर करना चाहते हैं क्यों क्योंकि पावर की वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को इसके अंदर पावर ऑफ़ मनी दिखेगी पावर ऑफ लैंग्वेज दिखेगी और इस तरह की चीज़ें हम लोगों को दिखेंगी तो यहाँ पर पावर ऑफ मनी दिख रही है हम लोगों को कि इस पावर की वजह से इस पावर को हासिल करने के लिए अपने कंपेनियन का मर्डर करना चाह रहे हैं ये लोग ठीक है एंटोनियो पर सेबेस्टियन सेबियन डेट द लेटर विल बिकम रूलर कि जो बचेंगे वो फिर क्या बन जाएंगे रूलर ऑफ़ नेपाल ठीक है इफ़ दे क्लीन इफ़ दे किल एलोन्ज़ो अब एलोन्जो को अब मर्डर करने का ये लोग प्रोग्राम बना रहे हैं आगे दिखाते हैं कि क्लेबल हु वुड बी द नेक्स्ट हेयर एफ फर्डीनेट वन डी डेड अब यहाँ पर वो लोग फर्डीनेट को भी डेड समझ रहे हैं कि बेटा वैसे ही मर गया अब आपको भी हम लोग मार देते हैं और फिर आगे जो बचेगा वो रूलर बन जाएगा अब क्लियरिबल कौन थी ये फर, उसकी बेटी थी एलौज़ो uh, की जिसकी शादी पर ये लोग गए हुए थे और वहाँ से ये लोग वापस आ रहे थे और जिसकी वजह से इन लोगों का जो शिप था वो तूफ़ान के अंदर फंस गया और इन लोगों को इस आइलैंड के ऊपर आना पड़ा ठीक है अब यहाँ पर वो लोग क्लेरिबल की बात कर रहे हैं कि वो जो है वो नेक्स्ट बनेगी फर्डी के बाद आ, क्या कहते हैं प्रिंसेस बनेगी और एलौज़ो जो है उसको अगर हम लोग मार दें और फर्डी वैसे ही मर गया और जो क्लैरी वाला है उसकी वैसी शादी हो गई है तो वो क्या है इज़ टू फॉर अवे टू बी एबल टू क्लेम हर राइट ठीक है मतलब उसके आने से पहले पहले हम लोग सब कुछ कर भी लेंगे और उसका कुछ जो उसका राइट बनता है वो उसको हासिल नहीं कर पाएगी ठीक है यहाँ पर ये यह, यह लोग प्लानिंग कर रहे हैं अब सेबेस्टियन इज कन्विंस्ड सेबेस्टियन जो है वो मान गया है एंड द टू आर अबाउट टू स्टैप द स्लीपिंग मैन वन एरियल कॉजिस गोंजेलो टू वेक विद शाउट अब ये दोनों जो हैं ये मारने लगते हैं उसको एलवो को लेकिन क्या होता है कि जो एरियल है वो गैलो को किस तरीके से उठा देता है और गोन्जैलो एकदम से चीख के उठता है ठीक है अब जैसे ही गैलो चीखता है एवरी वन वीक्स अप एंड एंटोनियो एंड सेबेस्टियन कनक आर ridiculous स्टोरी अबाउट हैविंग drawn their swords टू protect द किंग from lions. अब यहाँ पर जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि तलवार जो है एलोंसो के ऊपर है और वो लोग फिर क्या स्टोरी बनाते हैं कि यहाँ पर हम लोग किंग को बचा रहे थे यहाँ पर शेर वगैरह आ गया था एंड ऑल दैट ठीक है यहाँ पर वो स्टोरी बना लेते हैं अब एरियल गोज़ बैक टू प्रॉस्पेरो अब एरियल जो है वो प्रॉस्पेरो के पास वापस जाता है वाइल एलोंसो एंड हिस पार्टी कंटिन्यूस टू सर्च वॉर फर्डिन अब एलोन्जो का बेटा था फर्डीनेट ये लोग जो हैं वो बाकी पार्टी के साथ मिलकर ढूंढ रहे होते हैं फर्डीनेट को कि उनको एक होप होती है कि शायद फर्डीनेट जिंदा हो बाकी सब समझ रहे होते हैं कि वो मर गया ठीक है लेकिन एलोन्जो को होता है कि मेरा बेटा शायद जिंदा हो उसको ढूंढो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कैलिबन हम लोगों को आगे दिखता है कैलिबन मेन वाइल इज हॉलिंग वुड फॉर प्रॉस्पेरो वेन ही सीज ट्रिंकलो ही लाइज डाउन एंड हाइड्स अंडर हिज क्लॉक Trinklo curious about Caliban's strange appearance and smell crawls under the crawls under the clock with him. स्टेफनो drunk and singing. अब यहाँ पे हम लोगों को दिखता है स्टैफनो Trinklo ये भी कुछ characters हैं ये लोग आते हैं और उस वक्त Caliban को काम दिया गया होता है Prospero की तरफ से wood इकट्ठी करने का या काटने का तो वो कर रहा होता है और वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं अब जो है ये लोग देख कर इसकी स्ट्रेंज अपेरेंस को और जो इसके पास स्मेल आ रही होती है यहाँ पर हम लोगों को इसका अपेरेंस बताया है कि कितना सैवेज पर्सन था एक तो ना इसके पास कोई मैनर्स थे ना इसके कोई क्लीनिंग वगैरह इसकी और इस तरह की चीज़ इसके पास स्मेल आ रही है और उसकी अपेरेंस देख के सब कुछ वो लोग एकदम से वो क्यूरियस हो जाते हैं इसके लुक के बारे में और ये लोग ड्रंक होते हैं ठीक है और ड्र... ड्रिंकिंग की हालत में ये लोग सिंगिंग शुरू कर देते हैं और जो कैलिबन होता है ये इन लोगों को देख के छुप जाता है वो यह समझता है कि ये प्रॉस्पैरों ने इन लोगों को भेजा है इसके ऊपर नज़र रखने के लिए और ये लोग जो होते हैं ये दूसरे लोग होते हैं जैसा कैलिबन समझ रहा होता है वैसे नहीं होते तो अब आगे क्या होता है कि स्टेफ नो डिसाइड डैट हिज़ मोस्टर रिक्वायर्ड लिक्वर एंड टम्प टू गेट कैलिबन टू ड्रिंक अब वो लोग क्या करते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी मोस्टर है वो उसको मोस्टर बना देते हैं वो कहते हैं कि जो भी मोस्टर है इसको ड्रिंकिंग करनी चाहिए और फिर क्या करते हैं वो कैलिबन को ड्रिंक करवा देते हैं मतलब उसको भी एल्कोहल पिला देते हैं अब ट्रिंकलो रिकोगनाइज हज फ्रेंड स्टेफनो एंड कॉल्स आउट तो हिम अब ट्रिंकलो जो है वहाँ पर दिख मतलब इस तरीके से दिखाते हैं फॉर एग्जांपल ट्रिंकलो इधर से आ रहा है और जो सेबेस्टी स्टेफनो है वो दूसरी तरफ से आ रहा है और बीच में कैलिबन है और जो स्टेफनो है ये ड्रिंकिंग करता हुआ आ रहा है और वो आता है कैलिबन इसको देखता है और वो वो हो जाता है छुप जाता है और यहाँ पर वो ख़ुद तो ड्रिंक होता ही है इसको भी ड्रिंकिंग करवा देता है और जो ये ट्रिंकलो है इसको अता पता किसी चीज़ का नहीं होता लेकिन वो जब इसकी आवाज़ सुनता है तो वो इसको पहचान जाता है क्योंकि मेरा दोस्त है ठीक है सोन थ्री आर सिटिंग अप टुगेदर एंड ड्रिंकिंग अब ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं और बैठ के तीनों गाने वगैरह भी गा रहे हैं सिंगिंग कर रहे हैं और ड्रिंकिंग कर रहे हैं ठीक है अब प्रोस्पेरो पुट्स फर्डीनेट टू तो वर्क हॉलिंग वुड अब प्रोस्पेरों ने एक तरह का फर्डीनेंट को गुलाम बनाया हुआ है अपना और उसको उसने काम दिया हुआ का। है वुड हॉलिंग का ठीक है फर्डीनेट फाइंड हिज लेबर प्लेजेंट बिकॉज इट इज़ फॉर मिरांडा सिक फर्डीनेंट जो होता है वो इस चीज को इंजॉय करता है और वो क्या करता है इस चीज को प्लेयरेबल समझता है वो कहता है कि ये सब कुछ मिरांडा के लिए वो कर रहा है मिरांडा थिंकिंग दैट हर फर इज़ अ स्लीप टेल्स फर्ड नेंट टू टेक अ ब्रेक अब मिरांडा जो है वो उसकी केयर करती है कि फादर शायद सो गए हैं तुम थोड़ी सी ब्रेक ले लो द टू फ्लर्ट विद वन अदर हम लोगों को दिखता है कि ये दोनों थोड़े से फ्लर्ट ही हो जाते हैं एक दूसरे के साथ फिर मिरांडा जो है वो प्रपोज करती है मैरिज एंड फर्डीनेट एक्सेप्ट और फर्डीनेंट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है प्रोस्पेरो हैज़ बीन ऑन स्टेज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोस्पैरो हम लोगों को स्टेज के ऊपर दिखता है काफ़ी टाइम लेकिन अनसीन दिखता है एंड ही इज़ प्लीज विद दिस डिवेलपमेंट मतलब हम लोगों को दिखाते हैं कि जो सीन उन दोनों का फ्लर्टी चल रहा होता है और मिरांडा उसको प्रपोज करती है मैरिज और फर्डी एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज़ को प्रोस्पैरो देख रहा होता है और प्रोस्पैरो डेवलपमेंट से खुश होता है ठीक है अब स्टेज का यहाँ जिक्र है और प्लेइंग म्यूजिक का जिक्र है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ड्रामा था उस वक्त स्टेज के ऊपर परफॉर्म हुआ था और स्टेज के ऊपर हम लोगों को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब स्टेफनो ट्रिंकलो और कैलिबन आर नाउ ड्रंक अब ये तीनों केेक्टर जो हैं ये ड्रंक हैं ठीक है अब आगे हम लोगों को दिखता है कि एरियल हु कम्स टू देम इन विजिबिली एंड प्रोवोक्स वर्क टू फाइड विद वन अनदर अब यहाँ एरियल फिर आता है अपना मैजिक प्ले करता है इनविजिबल होता है और वो उन तीनों के अंदर क्या प्रोवोक कर देता है फाइट करना ठीक है कैलबन ऑफर्स ही नोज़ हाउ टू किल प्रोस्पेरो अब कैलबन यहाँ पे ऑफर करता है कि वो जानता है प्रॉस्पैरो को कैसे मारा जा सकता है ही इवन टेल स्टैफनो टैट ही कैन ब्रिंग हिम टू वेयर बियर इज स्लीपिंग फिर यहाँ पर वो उसको ये भी बताता है स्टेफनो को कि वो उसको वहाँ ले जाएगा जहाँ पर वो जानता है कि प्रोस्पेरो सो रहा है ज दैट दे किल प्रोस्पेरो टेक हिस्स डॉटर एंड सेट स्टेफनो अप एज ए किंग ऑफ द आईलैंड अब यहाँ पर फिर आप लोगों को दिख रहा है कि वो लोग मर्डर करना चाह रहे हैं और किंग बनना चाह रहे हैं आईलैंड का ठीक है यहाँ पे भी हम लोगों को पॉवर दिख रही है अब पावर ऑफ मनी दिख रही है लस्ट दिख रही है पॉवर की ठीक है अब स्टेफ्नो थिंक्स दिस इज अ गुड प्लान एंड द थ्री प्रिपेयर टू सेट ऑफ टू फाइंड प्रोस्पेरो आर डिस्ट्रक्टेड हाउर बाई द साउंड ऑफ म्यूजिक दैट एरियर प्लेस ऑन हिस्स फ्लूट अब यहाँ पे हम लोगों को फिर दिख रहा है कि एरियल जो है वो म्यूज़िक प्ले कर रहा है एंड टेबर ड्रम एंड दे डिसाइड टू फॉलो दिस म्यूज़िक बिफोर एग्जीक्यूटिंग देयर प्लॉट ठीक है अब क्या होता है यहाँ पे एरियल जो है उन तीनों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है नेक्स्ट अब हम लोगों को दिखता है ये कैरेक्टर्स एलोन्जो कौनजेलो सेबेस्टियन एंटोनियो ग्रो वेरी फ्रॉम ट्रैवलिंग एंड पॉज टू रेस्ट अब ये लोग सब थक गए हैं फर्डी को ढूंढते ढूंढते तो वो लोग एक ब्रेक लेते हैं और रेस्ट करते हैं एंटोनियो एंड सेबेस्टियन सीक्रेटली प्लॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ एलोन्सो एंड कॉन्जेलोज डिसाइडेड डिसाइडेंट डिसाइडेड टू किल दैम इन द इवनिंग अब यहाँ पर अभी भी इनके दिमाग में चल रहा है कि इनका मर्डर कर दिया जाए और फिर यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं कोई पॉसिबल सिचुएशन की दोनों थके हुए हैं इसी का हम लोग एडवांटेज उठा लेते हैं और शाम को इन दोनों को मार देंगे अब प्रॉस्पेरो प्रोबेबली ऑन द बैल्कनी ऑफ द स्टेज एंड इनविजिबल टू द मैन कॉजेज ऑफ बैंकवेट टू बी सेट आउट बाई स्ट्रेंथली शेप्ड स्पिरट्स अब यहाँ पर प्रॉस्पेरो क्या करता है एक बड़ी सी दावत अरेंज करता है और हम लोगों को बैलकनी में दिखता है लेकिन इनविजिबल दिखता है बाकी लोग उसको नहीं देख सकते ठीक है और यहाँ पर वो क्या करता है कुछ हम लोगों को स्ट्रेंज शेप की स्पिरिट्स भी दिखती हैं अब हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर मिरांडा और फर्डीनेट की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं ठीक है एज अ मैन मैन प्रिपेयर टू ईट जैसे ही लोग देखते हैं अब आईलैंड के ऊपर आए हुए हैं तूफान में फंसे हुए थे और वो लोग थके हुए हैं इधर उधर भटक रहे हैं अपने जो गुमशुदा लोग हैं उनको ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर वो लोग एक बड़ी दावत देखें, खाने पीने का सामान देखें, तो वो लोग सब क्या करते हैं वो लोग खाने की तैयारियां करते हैं एरियल अपीयर्स लाइक अ हार्पी एंड कॉज द बैंक टू वैनिश अब यहाँ पर जैसे ही वो खाने लगते हैं तो एरियल आ जाता है और वो क्या करता है सब कुछ वैनिश कर देता है जो उन लोगों के लिए एक दावत क्रिएट की गई होती है वो सब कुछ तबाह कर देता है ठीक है ही देन एक्यूज द मैन ऑफ सप्लांटिंग प्रोस्पेरो एंड सेज दैट इट वॉज फॉर दिस सिन दैट एलोन्जो सन फर्डीन हैज बीन टेकन अब यहाँ पर वो यह ये बताता है कि लोगों के जो गुनाह हर कोई कर रहा होता है जैसे मर्डर प्लान कर रहा है और एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं उनके बारे में उनको बताता है कि ये जो तुम लोग खाने बैठ रहे थे और सब कुछ तबाह हो गया है और सब कुछ हो गया है ये सब कुछ क्यों हुआ है क्योंकि तुम लोगों के जो तुम लोगों ने गुनाह किए हैं उसकी वजह से और ये तुम्हारा गुनाह है कि तुम्हारा बेटा जो है फर्डीनेट वो तुमसे ले लिया गया ही वनिशीज़ वो फिर साइड पे गायब हो जाता है लिविंग एलोन्जो फीलिंग वैक्सट एंड गिल्टी अब यहाँ पे एलोज़ो को एक कहते हैं ना ज़मीर जाग गया उसका ज़मीर जाग जाता है और उसको गिल्टी फील होती है कि हम लोगों ने पास्ट के अंदर किसी हर किसी ने किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई धोखा किया है और मर्डर करने की कोशिश की है और आलतू फालतू प्लान्स बनाए हैं ठीक है थीके? तो इस तरह उनको वो पास्ट याद करवाता है उनकी गुनाह याद करवाता है जिससे एलोजा का एलोन्जो जो है उसका ज़मीर जाग जाता है ठीक है ये कौन है किंग ऑफ नेपाल नेक्स्ट देखते हैं प्रोस्पेरो नो सॉफ्ट सॉफ्ट टूवर्ड्स फोर्डी नाइन एंड वेलकम हिज फैमिली एज द सोन टू बी हजबेंड ऑफ मिरांडा अब प्रॉस्पेरो जो है फोर्डी को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको अपनी फैमिली के अंदर एक्सेप्ट कर लेता है वेलकम करता है और क्यों क्यों क्योंकि वो अब मिरांडा का होने वाला हस्बैंड है ठीक है ही स्टर्नली रिमाइंड फर्डीनेड अवेट दैट मिरांडा इज वर्ज इन नॉट इज नॉट टू बी ब्रोकन एंडिल द वेडिंग हैज़ बिन ऑफिशियली सोलमनाइज अब यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रही होगी कि अपने रिलेशनशिप को आगे भी बिल्ट ना करें जब तक शादी नहीं होती ठीक है यहाँ पे वो फर्डीनेट को बता रहा है अब आगे वो क्या कहता है देन आस्क एरियल टू कॉल फॉर समे टू परफॉर्म अ अस्क पॉपर्टिन एंड एमरांडा अब यहाँ इन दोनों की शादी की तकरीबा चल रही हैं और यहाँ पर डिफरेंट गॉड्स दिखेंगे हम लोगों को स्प्रिट्स दिखेंगी जो आएंगी और अपनी आके उनको ब्लेसिंग देंगी ठीक है द स्प्रिट एज्यूम द शेप ऑफ़ केयर्स जूनो एंड आइस एंड परफॉर्म अ शॉर्ट मास्क सेलिब्रेटिंग द राइट्स ऑफ मेरेज एंड द बाउंड्री ऑफ द अर्थ अब ये जो जिन गॉड्स के नाम लिए हुए हैं ना ये गॉड ऑफ ग्रीक हैं ठीक है उनके अंदर बहुत मशहूर ठीक है तो इनकी स्पिरिट्स जो हैं इनकी शेप ले लेती हैं और फिर वो आती हैं और सेलिब्रेट करते हैं शादी का फंक्शन चल रहा है ठीक है अ डांस ऑफ रिवर्स एंड ड्रीम्स फॉलोज बट इज़ इंटरप्टेड वेन प्रोस्पेर सडनली रिमेंबर दैट ही स्टिल मस्ट स्टॉप द प्लास्ट प्लॉट अगेंस्ट हिज लाइफ अब यहाँ पे प्रॉस्पैरो को याद आता है कि उसकी लाइफ के पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए हैं मर्डर करना चाह रहे हैं पहले उस प्लॉट को हम लोग रोकते हैं बाद में हम लोग इन चीज़ों की तरफ आएँगे ठीक है अब वो क्या करता है ही सेंट द स्प्रिट अवे एंड आज केरियल अबाउट ट्रिंकलो स्टेफ्नो एंड कैलिबन ये तीनों आ रहे थे ना प्रोस्पैरो को मारने के लिए तो इन्हीं तीनों के बारे में वो फिर पूछता है कि वो किधर है एरियल टेल्स इज मास्टर ऑफ द थ्री मैं स्ट्रंकन प्लान उनके प्लान के बारे में बताता है ही ऑल्सो टेल्स हाउ ही लेट द मैन विद हिज म्यूजिक थ्रू प्रिकली ग्रास एंड ब्रायर्स एंड फाइनली इन टू अ फ्लिदी पाउंड नियर प्रॉस्पेर सेल अब वो बताता है कि कैसे एरियल ने उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया और कैसे वो लोग कहाँ पर भी पहुँच गए आना कहीं जा रहे थे पहुँच कहीं गए हैं एरियल एंड देन सेट अ ट्रैप बाय हैंगिंग ब्यूटीफुल क्लॉथिंग इन प्रॉस्पेरो सेल अब वो प्रॉस्पेरों के सेल के अंदर है वो लोग अब यहाँ पर वो क्या करते हैं ऐसे कपड़े वहाँ पर लटका देते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं एक बेसिकली होता है तो ट्रैप है उनको फंसाने के लिए तो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल क्लॉथिंग की वो लोग एक पेशकश रख देते हैं अब जब ये तीनों वहाँ देखते हैं एंटर लुकिंग फॉर प्रॉस्पेरो एंड फाइंडिंग द ब्यूटीफुल क्लॉथिंग डिसाइडेड टू स्टील इट अब करने को आते हैं मर्डर करने आते हैं लेकिन वो उसकी अट्रैक्टिवनेस और वो सारी चीज़ें देख वो क्या करते हैं उसको चुराने की कोशिश करते हैं उन ब्यूटीफुल क्लॉथिंग को ठीक है दे आर इमिडिएटली अप ऑन बाई अ पैक ऑफ स्पिरिट्स इन द शेप ऑफ डॉग्स एंड हॉन्ट्स अब स्पिरिट्स हम लोगों को दिखती हैं इन द शेप ऑफ डॉग डॉग्स एंड हाउंड्स जो उनके ऊपर अटैक कर देती हैं ड्राइवर ऑन बाय प्रॉस्पेरो एंड एरियल जो किसने क्रिएट की गई होती हैं और एरियल के थ्रू ठीक है और प्रॉस्पैरो और एरियल की तरफ इनको ले जाती हैं नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिखता है प्रॉस्पेरो यूजेस एरियल टू ब्रिंग एलोजो एंड द अदर्स बिफोर हिम प्रॉस्पेरो फिर एरियल का यूज़ करता है कि वो एलोन्जो को और बाकियों को इधर लेकर आए ही देन सेंड्स एरियल टू ब्रिंग द बोट्समैन एंड द मैरिनर्स फ्रॉम वेयर दे स्लीप ऑन द रेक्ट शिप अब ये बोट्समैन और मेरीनर्स ये वो लोग हैं जो शिप के चीफ थे और जो सीम होते हैं साथ के सेलर्स होते हैं एक तरह के जो एक मतलब तो हम लोगों के पास साइड कैरेक्टर्स थे ये तो उनकी तरफ भेजता है जो शिप रैक के बाद सो गए थे उनको लेकर आता है प्रोस्पेरो जो है वो एलोंजो एक तरह से तसल्ली देता है और एंटोनियो एंड विद देयर ट्रेचरी बट देम दैट ही फॉरगिव्स देम बाकियों को वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया और एलोन्जो को जो है वो एक तरह से तसल्ली देता है ठीक है बट देम दैट ही फॉरगिव्स देम कि मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया यहाँ पे हम लोगों को फॉरगिवनेस की थीम दिखती है थोड़ी सी उसके अलावा एलोंजो टल्स हिम ऑफ हैविंग लॉस्ट फोर्डी द टेम्पस्ट पे एलोन्जो बताता है फर्डी के बारे में कि टेम्पस्ट के अंदर एक तूफान के अंदर उसका बेटा जो है वो मर गया है उसने उसको खो दिया है एंड प्रॉस्पेरो सेज़ दैट ही रिसेंटली लॉस्ट इज़ ओन डॉटर कि प्रॉस्पेरो कहता है कि उसने भी अपनी डॉटर जो है उसको खो दिया है रिसेंटली ही फिर वो अपना मीनिंग को क्लेरिफाई करता है ही ड्रॉज द साइड अ करटन करटन उठते है और तो और हैं और टू रिवील फर्डिनेंड एंड मिरांडा प्लेइंग चेस के फर्डिनेंड और मिरांडा जो है चेस खेल रहे हैं इस चेस के बारे में भी आप लोगों को मैं स्टोरी बताऊंगी अभी क्योंकि हम लोगों का लेक्चर लंबा हो रहा है तो मैं फटाफट ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक दफा स्टोरी क्लियर हो जाए नेक्स्ट हम लोग चीज़ें इसी प्ले के बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे क्या होता है एंड एलोन्ंड कंपेनियन आर अमेज्ड बाई द मेरिकल ऑफ़ फर्डिनेंड सर्वाइवल अब एलोन्जो जो फर्डिनेंड का बाप होता है और उसके जितने भी कंपेनियन साथ होते हैं जो फर्डिनेंड को ढूंढ रहे होते हैं वो उसका फर्डिनेंड का सर्वाइवल देख के कि वो जिंदा है एक मोजा मानते हैं एक मेरीकल मानते हैं और खुश हो जाते हैं ठीक है एंड मिरांडा इज बाय द साइट ऑफ पीपल लाइक एनी शी हैज सीन बिफोर मिरान्डा भी हैरान हो जाती है कि इतने लोग और वो देखती है कि ये सब लोग लड़के हैं और मर्द हैं जो उसने कभी देखे ही नहीं होते तो वो ये सब कुछ देख कर एकदम से हैरान हो जाती है फर्डिनेंड टेल्स हिज फादर अबाउट हिज मैरिज फर्डिनेंड जो है वो अपने फादर को अपनी मैरिज के बारे में बताता है कि शादी वगैरह कर ली है या शादी करनी है इस तरह का कुछ नेक्स्ट क्या होता है कि एरियल जो है रिटर्न विद द बोट्समैन एंड मेरिनर्स वो जो मैंने आपको बताया बोट्समैन और मेरी नर्स थे उनके साथ वो रिटर्न होता है वापस आता है जो सो गए थे शिप रेक के बाद उनको लेकर आता है द बोट्समैन टेल अ स्टोरी ऑफ हैविंग बीन अवेकेंट फ्रॉम स्लीप दैट हैड अपेरेंटली लास्टेड सिंस द टेम्पस्ट वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो सो गया था शिप रेक के बाद और अभी बिल्कुल जागा है और तूफान के अंदर जब वो फंस गए थे एंड ऑल दैट एट एड बाइडिंग एरियल रिलीजिस कैलिबन प्रिंकलो एंड स्टेफनो अब एरियल जो है वो इन तीनों को छोड़ देता है जिनको इसने पकड़ लिया था हु दैन एंटर वेरिंग देयर स्टोल इन क्लॉथिंग फिर वो लोग एंटर होते हैं जो इन लोगों ने कपड़े चुराए होते हैं वो पहने हुए होते हैं प्रोस्पेरो एंड एलॉन्जो कमांड दैम टू रिटर्न इट प्रॉस्पेरो और एलोन्जो उनको कमांड करते हैं कि ये वापस करें एंड क्लीन अप द प्रोस्पेरोज सेल और उनको कहते हैं कि प्रोस्पेरों की सेल को साफ़ सुथरा करें प्रोस्पेरो वाइट्स एलॉन्जो एंड दे अदर टू स्टे फॉर द नाइट सो दैट ही कैन टेल दैम द टेल ऑफ़ हिज लाइफ इन द पास्ट ट्वेल्व ईयर्स अब वो उन सबको बुलाता है कि रात रुकें और रात के वक्त बैठ के ये अपनी पास्ट ट्वेल्व ईयर्स के बारे में अपनी लाइफ के बारे में सबको बताएगा ऑफ्टर दिस इसके बाद क्या होता है द ग्रुप्स प्लान टू रिटर्न टू तो इटली अब हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि ये समवेयर इटली के अंदर हम ये जो सेटिंग थी इसकी हुई थी ठीक है अब प्रोस्पेरो रिस्टोर टू तो इज ड्यूकड डॉम प्रॉस्पेरो जो है वापस ड्यूक बन गया है विल रिटायर टू मिलान अब वो मिलान जाने के लिए तैयार है प्रॉस्पेरो गिव्स एरियल वन फाइनल टास्क अब वो एरियल को आज़ाद करने वाला है लेकिन फाइनल टास्क उसको क्या देता है टू मेक श्योर द सीज़ आर काम फॉर द रिटर्न बॉयज बिफोर सिटिंग हिम फ्री बिफोर सेटिंग हिम फ्री ठीक है फाइनली क्या होता है प्रॉस्पेर डिलीवर्स एंड एपीलॉग टू द ऑडियंस आस्किंग दैम टू फॉर गिव हिम अब ख़ुद भी उसने कुछ गलतियाँ की होती हैं वो ऑडियंस से माफ़ी मांगता है और एक एपीलॉग देता है फॉर इज रॉन्ग डूइंग एंड सेट हिम फ्री बाई अपलोडिंग और पिड़ताली के साथ ऑडियंस जो है उसको भेज देती हैं वापस रुखसत कर देती हैं हम लोगों का प्ले ख़त्म हो जाता है और आज हम लोगों ने देखी स्टोरी डिटेल के अंदर और साथ साथ एनालिसिस किया कुछ हम लोगों ने थीम्स देखी अभी डिटेल थीम्स और डिटेल कैरेक्टर एनालिसिस हम लोगों का रहता है ये हम लोग देखेंगे बाद में अभी सिर्फ स्टोरी सुनाते सुनाते ही स्टोरी क्लियर करवाते करवाते हमें इतना टाइम हो गया है तो बाकी लेक्चर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आप लोग चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी नेक्स्ट लेक्चर की आप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़